अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे दिनों का मज़ा ले रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन 2019 का, काफ़ी सामने आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ 5 दिन 7 घंटे 24 मिनट बचे हुए हैं। 11 अप्रैल से शुरुआत होगा हमारे देश का पहले चरण का इलेक्शन, और उस पहले चरण के इलेक्शन में पूरे देश भर में ये जो महापर्व मनाया जाएगा लोकतंत्र का, इसके ऊपर हम सब नौजवानों की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। इस लोकतंत्र को मजबूत करने की, इस लोकतंत्र को बचाने की, संविधान की इज्जत करने की, और देश की संप्रभुता, देश की आपसी एकता, देश के बहुत सारे आपसी मुद्दे को सुलझाने की, और बेरोजगारों की बातें, किसानों की बातें, महिलाओं की बातें, बलात्कार के केसेस, उसकी बातें, बच्चे जो हैं, कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज ही मैं कहीं गया हुआ था, एक दुकान पे मैं बैठा हुआ था, देखा कि एक छोटा सा बच्चा, मुश्किल से उसकी उम्र हो गई होगी 10 साल 11 साल या 12 साल, होटलों में काम कर रहा है। पूरे देश भर में इस तरह की हालात हैं, आपको भी पता है। तो बाल मजदूरी से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, कानून हैं उसके ऊपर बहुत सारे, इसके बावजूद भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो देश भर में बहुत सारे मुद्दे हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आपको भी पता होगा कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था कि हमारे मोदी जी की सेना के ऊपर इस तरह का बयान दिया था, जिसके ऊपर में इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया था और वार्निंग दिया है योगी आदित्यनाथ को कि अपनी जबान को लगाम में रखे और तरीके से बात करे। ये देश की सेना है, किसी के घर की सेना या किसी नेता की सेना नहीं होती है। और खुद सेना के बहुत सारे जवानों की तरफ से बहुत सारी प्रतिक्रिया भी आई हैं इसके ऊपर में, वो भी मैं आपको वीडियो बाद में दिखाऊंगा, जिसमें सेना खुद कह रही है कि हम देश के रक्षक हैं, देश के लिए काम करते हैं, हम किसी नेता या किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते। और हमारे नाम पर वोटिंग मांगना या फिर हमारे नाम पर ड्रामेबाजी करना या धंधेबाजी करना वोटों की, वो बंद किया जाए। और इससे भी पहले बहुत सारे आरोप के मामले आपने देखे होंगे, वन रैंक वन पेंशन के मामले में, जहाँ पर हमारे देश के जो जवान हैं उन लोगों ने लगातार इस बारे में बात कही थी कि हमारे जो मैटर हैं, आरोप के जो मैटर हैं, उसको सुलझाया जाए, उसको लाया जाए। लेकिन उस मैटर पर भी लगातार जो हमारे देश के सैनिकों के साथ खिलवाड़ हुआ है वो सब लोग जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आदाब, नमस्कार सब लोगों को। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे, 3 टॉपिक है लगातार, जो आपने देखा होगा मैंने लिखा हुआ है। सिवान के ऊपर हम लोग बात करेंगे, बिहार के ऊपर बात करेंगे, फिर पूरे भारत की राजनीति भी बात करेंगे। तो सिवान की मैं बात इसलिए करूंगा क्योंकि मैं सिवान का ही हूँ और सिवान में हूँ इस वक्त। लगातार यहाँ पर जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, लोगों की बात देखने को मिल रही हैं, और जो यहाँ की शुरू से रही है जो कंस्टिट्यूएंसी, उसके अंदर के जो हालात हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और मैं चाहूँगा, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी ऑन कर दे रहा हूँ, अगर कोई जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं बात करने के लिए साथ में। दोस्तों, सिवान से जो इलेक्शन है वो काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। लगातार यहाँ पर उल्टे सीधे बयान और कुछ कुछ ऐसे प्रत्याशियों की इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं देखने को, कि लोग उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। अभी आपने मेरा पोस्ट भी एक देखा होगा पहले का, जिसमें से यहाँ पर ऑलरेडी दूसरा टर्म है जिस विधायक का दूसरा टर्म है। विधायक की मैं बात कर रहा हूँ, विधायक का मतलब आप समझ सकते हैं एक विधानसभा के द्वारा चुने गए एक प्रत्याशी, एक जो जाकर लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। विधानसभा के प्रत्याशी जो हैं, जो पिछले 2 टर्म से जीती हुई हैं, कविता जी के बारे में मैंने आपको दिखाया था, एक छोटा सा वीडियो था जहां पर वो अपने देश की रक्षा मंत्री, चलो एक गलती हो सकती है लेकिन दूसरी भी गलती कि हमारे देश के लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका नाम नहीं पता है। ये हमारे देश की विडंबना है कि हम लोग के नेता ऐसे भी होते हैं जो 10 सालों से विधायक हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी जनरल नॉलेज की बातें नहीं पता है। खैर, इसके अलावा और भी हमारे जैसे CPIML के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे जुड़े हुए हैं और काम भी कर रहे हैं। भीम आर्मी सेना भी लगातार सिवान में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग समाज से लोग हैं और अपने अपने जाति धर्म के ऊपर पे काम कर रहे हैं। तो मुझे इस बात का भी अफसोस है कि कोशिश लगातार रहेगी। दोस्तों, एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि कोशिश लगातार रहेगी कि देश के अंदर से जात पात की राजनीति को ख़त्म किया जाए, और ये चीज़ हम लोग करेंगे, इतनी तो पक्की बात है। अचानक से कोई चीज़ ख़त्म नहीं होता, अचानक से कोई छड़ी नहीं घूमती है जिसकी वजह से सारी चीज़ें ठीक हो जाए और बदल जाए, लेकिन बदलेगा तो ज़रूर। तो इस तरह की भी चीज़ें, लेकिन अपने अपने हक को लेकर जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं संविधान के तहत रहते हुए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब बात विकास की होगी तब हम बिहार की बात करेंगे, क्योंकि बिहार जब
नीतीश कुमार के बारे में बात आती है तो उनके साथ दो शब्द को जरूर जोड़ा जाता है। पहला शब्द ये जोड़ा जाता है कि ये सिवान के बिहार के सुशासन बाबू हैं, यानी कि सुशासन इस प्रकार का कि यहाँ पर किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स नहीं आती, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आता जिससे ये लगे कि बिहार में अब बहार है। लगातार सिवान में आपने देखा होगा, मैंने खुद भी कवर किया था और मैं खुद भी गया था, यूसुफ नाम के लड़के, एक सुरेश नाम के लड़के और एक दो लड़कियों का हत्या हुई, और अभी दो दिन पहले एक बच्चे की अपहरण करने के बाद उसको चाकू से गोद कर मार दिया गया था। इसी सिवान की बात है, ये सुशासन बाबू की ही बात है। तो मैं ये सवाल इसलिए करना चाहता हूं कि देखिए, राजनीति ऐसी चीज है ना कि इसमें कोई चीज परमानेंट नहीं होती, और ना ही कोई भी पार्टी जो है वो किसी एक पद पे बैठे रहने के लिए, आसीन रहने के लिए वो इस देश में नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए, वरना ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि हर लोगों की आवाज सदन तक पहुंचनी चाहिए, हर लोगों की आवाज बुलंद होनी चाहिए, और हर लोग इस प्रकार से इस पे काम करें कि सबकी आवाज को बराबर तरीके से सुनकर इसके ऊपर काम किया जाए। तो सिवान में जो इस वक्त का माहौल है, लगातार जिस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर केसेस सामने आ रहे हैं, आप यकीन मानो अगर मैं उसके लिस्ट बनाने बैठ जाऊँ ना तो इतने लिस्ट बन जाएंगे पिछले 4-5 सालों में, 10 सालों में, कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन अभी भी पूरे देश की मीडिया जो है, देखिएगा मैं यहीं पर कहता हूँ कि देश की मीडिया क्यों बेईमान है। हम कंपेरिजन जब करते हैं तो उस इंसान से करते हैं जो सत्ता में नहीं है, और हम जब कंपैरिजन करते हैं तो उस इंसान से करते हैं जो कभी सत्ता पे आसीन हुआ ही नहीं है, बैठा ही नहीं है, और उससे हम उसके कंपैरिजन करते हैं, उससे हम उसको देखते हैं कि किसके साथ हम जोड़ रहे हैं, जो जिसको मौका ऑलरेडी जनता ने दिया है 10 सालों से 15 सालों से, उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं, उससे ना सवाल करके जिसको हम लोगों ने संवैधानिक पद पे बैठाया, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसको अकाउंटेबल होना है आपके हर एक सवाल का, आपके हर एक प्रॉब्लम्स का, उससे सवाल ना करके हम उस तरह के लोगों पर टारगेट करने की कोशिश करते हैं जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए विपक्ष का काम करता है, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत है जब विपक्ष आपका मजबूत है, है ना। तो सवाल जब ये होता है तो सिवान के बारे में जब मैं बात करूंगा तो जो अभी दो प्रत्याशी जो हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण दो सीट है, क्योंकि देखिएगा बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं जदयू के हैं नीतीश कुमार, और उन्हीं के प्रत्याशी सिवान से हैं कविता जी। कविता जी ऑलरेडी विधानसभा विधायक रह चुकी हैं दुरौंदा से, और दो टर्म से हैं वो। मैंने आज तक, अगर यहाँ पर कोई भाई सिवान से जुड़ा हो तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप दुरौंदा के रहने वाले हैं, दुरौंदा जो विधानसभा क्षेत्र है, तो आप जुड़िएगा ज़रूर, मेरी खास रिक्वेस्ट है आपसे। मैं जानना चाहता हूँ सीरियसली, अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो आप उसको ज़रूर आके बताइए कि उन्होंने कौन सा ऐसा बेस्ट काम किया है जिसको हम फख्र से कह सकें कि सिवान के विधानसभा में कुछ अच्छा काम हुआ है, दुरौंदा विधानसभा क्षेत्र में कुछ अच्छा काम हुआ है, उसको हम लोग फख्र से दिखाएंगे। जिसको जनता ने 10 साल मौका दिया, 15 साल मौका दिया, उस क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वो आज संसद की लड़ाई लड़ने जा रही हैं। किस बेस पर आपने कौन सा ऐसा परफॉर्मेंस दे दिया है कि आप जनता चुनेगी, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं एलिगेशन की बात नहीं कर रहा, मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरी तरफ है आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं हिना साहब, पिछले 3 टर्म से वो, 2 टर्म से वो लगातार लड़ रही हैं, 2009 में 2014 में, लेकिन सेकंड टर्म नंबर पे हमेशा रही वो, जनता ने उनको मौका नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़ाई लड़ रही हैं। इसके अलावा इनको कभी दूसरे पद पर, कभी ना वो विधायक रही ना कभी कुछ रही, सांसद की लड़ाई लड़ रही है। इनके पति पूर्व जो सांसद यहाँ के रहे थे आरजेडी के, वो थे। अब अगर हम ईमानदारी से, आप बताइए कि अगर हम अब कंपैरिजन करें इस बात का कि जिसको मौका मिला 10 साल विधायक बन के काम करने का, और जो कुछ नहीं है, कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सिवान की जनता उनको चुनती है, 2.5-3 लाख वोट देती है, आखिर क्या कारण है? और एक विधायक जिसको 10 साल मौका मिला, कविता जी को, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कविता जी अपने काम को दिखाएं। मैं इसलिए इस बात पे बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे सामने एक खबर आई है, आज ही की ये खबर है, 5 अप्रैल की खबर है, कि नीतीश कुमार सभाओं में कह रहे हैं, जहां जहां वो जा रहे हैं घूमने के लिए, कि मुझे 13 साल के काम की मजदूरी दीजिए। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 13 साल बेतहाशा काम किया है बिहार के लिए और उसके लिए मजदूरी मांग रहे हैं।
चलिए हम इनके जो इनका रिपोर्ट कार्ड है उस पर ना बात करके हम इन्हीं के द्वारा उठाए गए विधायक और अभी के सांसद की लड़ाई में जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि जब आपके गुरु, जब आपके मास्टर जो अभी भारत बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने काम के लिए मांग रहे हैं मजदूरी, तो आप उससे क्यों नहीं सीख रही है बात। ये अजय सिंह से भी मेरा सवाल है कि अगर उन तक ये मेरा वीडियो पहुंच जाए तो मेरा उनसे भी ये सवाल है कि अजय सिंह जी आप अपने नीतीश कुमार जी से भी क्यों नहीं सीख रहे हैं, आप कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं सांप्रदायिकता वाली, और नीतीश कुमार जी जो है बात कर रहे हैं यहां पर विकास की। तो अगर आपने विकास अपने विधानसभा क्षेत्र में किया है पिछले 10 सालों में तो आप वो चीज को सामने लाइए, सिवान की जनता को सामने रखिए कि मैंने ये काम कराया, मैंने स्कूल बनवाया, मैंने कॉलेज बनवाया, मैंने हॉस्पिटल बनवाया, मैंने यूनिवर्सिटीज के लिए लड़ाई करी, मैंने पुस्तकालय बनवाया, मैंने प्राथमिक चिकित्सालय बनाया, मैंने बच्चों के खेलकूद के लिए जगह बनाई, मैंने गार्डन्स बनवाए, मैंने बढ़िया से कोई स्टेडियम बनाया, मैंने बच्चों के लिए कोई ऐसा स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई संस्थाओं को जोड़ा, मैंने खेलकूद से रिलेटेड कोई स्टेडियम को बनवाया, कुछ तो किए होंगे आप। अगर आपने वो काम किया है तो वो दिखाइए ताकि मजा आए कंपटीशन में, लोगों को भी लगे कि नहीं यार अब हमें जात पात से थोड़ा सा ऊपर उठकर अब हम विकास के बातों पे बात कर लेते हैं। क्योंकि सिवान की क्या पूरे देश की जनता ने लगातार जो पिछले 10 सालों से देखा है और खासकर इन 5 सालों में जो बीजेपी की सरकार रही है जिसमें हिंदू मुसलमान करने का जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, और ट्रेंड की शुरुआत इस बार के इलेक्शन में हमारे श्रीमान मोदी जी ने शुरुआत करी है। उन्होंने महाराष्ट्र में आते के साथ सबसे पहले क्या कार्ड खेलना शुरू किया कि भैया हिंदू आतंकवादी मुस्लिम आतंकवादी एंड दिस एंड दैट, उसी पे कहानी शुरू। इन्होंने बात करी थी कि मैं रोजगार दूंगा, इन्होंने बात करी थी किसानों की बात करूंगा, उन्होंने बात करी थी कि मैं बलात्कार नहीं होने दूंगा, उन्होंने कहा था कि बॉर्डर पे जवान शहीद नहीं होंगे, उन्होंने कहा था कि हम एक के बदले 10 सिर लेकर आएंगे। 10 सिर से मुझे याद आई, अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत सरकार ने बीजेपी सरकार ने दावा किया था कि पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को गिराया गया था वो भी बात गलत साबित हुई। हालांकि भारत सरकार ने उसको कहा कि मैं हम आपकी बात को नहीं मानेंगे क्योंकि हमने मार गिराया उसका सबूत है मेरे पास, तो ठीक है। अब अमेरिकन रिपोर्ट अगर ये कह रहा है तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी इन्वेस्टिगेशन किया होगा, सबूत पे काम किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि हवा में उठ कर आए और देखे फोटो खींचा चल दिए बोले कि नहीं भैया कोई पाकिस्तान। अरे भैया जाओ, सिंपल सी बात है, उनके पास अगर 500 जहाज है तो गिन लो 500 जहाज है कि नहीं है, एक कम हो गया होगा तो 499 बचा होगा। अगर इस तरीके से भी करना हो तो रिपोर्ट की क्या बात है। अगर F-16 क्या ऐसा थोड़ी है कि आसमान से गिरा या कहीं जमीन से पैदा हुआ आज खत्म हो गया तो पता नहीं चला, रिपोर्ट की जरूरत है। तो अगर अमेरिकन सरकार ये कह रहा है कि इस तरह की बात सामने हुई है, और तो ये भी एक बात सामने आई है, भारत सरकार की एक और भी बात सामने आई है। इसके अलावा जो हमारे सैनिकों की बात अगर हम करें, भारत सरकार ने अभी तक किसी भी जिम्मेदार को जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी पुलवामा में, कोई आया कैसे आया, इतना बड़ा खजाना जो बम का था कैसे आया हमारे बॉर्डर के अंदर में, इसके बारे में जाँच होती, इसके जिम्मेदार को पकड़ते और उसको सजा देते, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, उसके बारे में भी एक सवाल बन रहा है। अभी मैं अभी कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेता हूं, उसके बाद से आप लोगों से मैं जुड़ने की गुजारिश करूंगा जिनको जुड़ना है। नमस्कार अनुपम भाई, राज श्रीवास्तव भाई नमस्कार, वालेकुम सलाम नूर भाई, अली हसन भाई क्या वालेकुम सलाम, जय हिंद फैसल रजा भाई, अरमान शेख कहते हैं अपहरण का अरकर हत्या वाला मामला उसका पड़ोसी ही निकला। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब तो यही होता है ना कि इस तरह की घटनाएं ना घटें। लेकिन देखिए अगर यहीं पर मैं, देखिए आप सब लोग जानते हैं इस देश की मीडिया बिकाऊ है, इस देश की मीडिया जो है बायस्ड है, वो चीज़ों को इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि किसी एक खास व्यक्ति या किसी खास पार्टी के ऊपर में उनको एलिगेशन लगाना ही लगाना है। अगर यहाँ सिवान में किसी और की सरकार होती या MP होता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर पूरे देश की मीडिया जो है हल्ला हंगामा मचाई हुई रहती कि देखो अपहरण का दौर फिर आ गया, अपहरण में ये हो रहा वो हो रहा, ड्रामेबाजी शुरू हो जाती, लेकिन कहीं भी चूं तक की आवाज़ नहीं आ रही पूरे देश की मीडिया से, इतनी बड़ी घटना घट गई है लॉ एंड ऑर्डर को।
अजय सिंह हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उस इंटरव्यू में मैंने देखा कि जो सवाल हो रहा था कविता जी से, और अजय सिंह तो खैर नहीं थे वहां पे, जब बात विकास की हो रही थी और उनको बताया जा रहा था कि किस प्रकार से नोटबंदी देश के लिए फायदेमंद साबित हुआ, भैया आप एक सांसद की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, सांसद की लड़ाई का मतलब ये होना चाहिए कि आपके पास देशव्यापी नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपके पास करंट अफेयर्स होने चाहिए, और वो करंट अफेयर्स पूरे देश के हर एक मैटर से लेकर जुड़ा हुआ होना चाहिए कि क्या क्या देश में रिपोर्ट्स आ रही हैं, संसद मध्य में कैसे काम होता है। मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा कि जो हमारे विधायिका रही हैं 10 साल से, जो अभी लड़ रही हैं जदयू से, आप अपने रिपोर्ट कार्ड लाइए कि आपने इतने पैसे का इस्तेमाल किया कहाँ, है ना। इसके बारे में भी कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। राज श्रीवास्तव भाई, इस बार जीत वो तो जीत और हार जनता के ऊपर में है, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। जय हिंद डॉक्टर सुप्रिया। अरमान खान शेख के सिवान, ओके, वालेकुम सलाम पप्पू अंसारी भाई। सानू अली कह रहे हैं भीखपुर से उसरी का रोड जो कविता जी का एरिया है, पैदल पहले पहुंच जाएंगे ना कि बाइक और गाड़ी। अच्छा, मतलब ये हालात हैं कि आप पैदल पहुंच जाएंगे लेकिन वहां पे बाइक और गाड़ी नहीं पहुंच सकती है, बड़ी शर्म की बात है। ये फोटोज भी मैंने कल के वीडियो में दिखाए थे, तो यही तो बात होगी ना, दूसरी क्या बात होगी। मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन किस जात धर्म रिलीजन और कास्ट क्रीड क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक युवा जो पढ़ा लिखा है, जो उसका मकसद ये होना चाहिए कि हमारे देश की जो जनता है उसको क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको कोई चुन के लेकर संसद भवन में भेजता है, ठीक है, तो ये जिम्मेदारी है। पैसा आपको मिल रहा है उसके लिए, आपको उसके लिए सैलरी मिल रही है, आपको उसके लिए मौका मिल रहा है, सरकार से कई प्लान्स आ रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आखिर उसके हिसाब किताब तो कोई लेगा ना। ओके, होला मार्गरीटा, हाउ आर यू। पवन का भी भाई, सुमित्रा महाजन, एग्जैक्टली पवन का, वो तो मेरा वीडियो आपने देखा होगा, अफसोस की बात है वो। नमस्कार संजीव भाई, कैसे हैं। यहाँ पर तो बीपीपी का संजीव कुमार मिश्रा, बिहार में दरभंगा मधुबनी पर भी कुछ कमेंट कर दीजिए। अरे संजीव भाई, मैं वहाँ पे जा नहीं सका और समय भी नहीं मिल रहा है लगातार, मैं सिवान चूंकि घर पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं निकल पा रहा हूँ, माता जी की तबीयत ठीक नहीं है और छोड़ के एक दिन भी चले जाना मुश्किल है थोड़ा सा। इसके अलावा संजय सिंह का कहीं का प्रत्याशी नहीं है, अपराध के, ठीक है ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि नीतीश कुमार जी जो हैं, बात कर रहे हैं कि मेरे 13 साल की जो मजदूरी है उसका आप लोग बदला दीजिए। तो बदला किस बात का दिया जाए, क्या उस महिला को के लिए दिया जाए जिसको नंगा घुमाया गया था सड़क पर पटना में, क्या मुजफ्फरपुर कांड के मामलात में आपके जिस तरीके से ढिलाई दिखाई है, जिसमें बच्चियों के बलात्कार के साथ मार देने की बात सामने आई है, कंकाल तक मिलने की बात सामने आई है, तो क्या हम इसके बारे में कहें, क्या हम आपके मैं देखिए जो काम इन्होंने किए हैं सड़क को लेकर बिजली को लेकर, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दलितों के साथ मामलात हुए हैं, जिस प्रकार से माइनॉरिटीज के साथ शुरुआत हुई है जब से ये जेडीयू जुड़ी है बीजेपी के साथ से, जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, मुजफ्फरपुर का कांड हुआ है जिसमें 36 से ज्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार की बात सामने आई है, आप देख लेना सीबीआई की जांच की बात हुई, ना जाने क्या क्या बातें हुई, कोई भी जस्टिस किसी बच्ची को मिला, किसी भी बच्ची को जस्टिस नहीं मिला। तो आप समझ, ये देखिए कानून का एक बहुत बढ़िया पहलू होता है, यहाँ पे कानून के जानकार भी जुड़े हुए हैं मेरे ख्याल से, अनुपम भाई अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, ये अगर 10 गुनाहगार भी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बेगुनाह इंसान को गलत सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है, हमारे इंसाफ जस्टिस के प्रोसेस में। अब आप सोचो यहां पे 36 बच्चियों के साथ नाइंसाफी की बात हो रही है बलात्कार के मैटर को लेकर, उसके ऊपर किसी का कोई भी एक्शन नहीं है, किसी का भी कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई बात नहीं कर रहा है, ना ही नेशनल मीडिया। अभी आप देखो इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं जितने लोग भी आप देख रहे हैं, इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएगा, इसी सिवान कंस्टिट्यूएंसी के बारे में अगर लोकसभा के बारे में अगर कोई मीडिया बात करती है तो आप देख लेना वो किस प्रकार से हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलेगी, वो किस प्रकार से आज से 10 साल 20 साल पहले के मामलात को लेकर इस तरीके से बताने की कोशिश करेगी कि अगर कोई एक खास पार्टी की कोई एक खास
प्रत्याशी जीत जाता है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश किया जाएगा। ये हमारी देश की दोगली मीडिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस की जो आया हुआ है मैनिफेस्टो, एग्जैक्टली सृजन घोटाला के बारे में भी है अरमान शेख भाई, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला का मामला है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सुशासन आपका है, पुलिस आपकी है, सारी चीजें हो रही है, इसके बावजूद भी बलात्कार, इसके बावजूद भी घोटाला, इसके बावजूद भी सारी चीजें हो रही हैं, आखिर क्यों? तो ये अब अभी मैं बात कर रहा था कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुझे और कोई बात समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन तीन पॉइंट मुझे बहुत पसंद है। काश कि ये बीजेपी भी कर देती तो मैं बीजेपी की भी तारीफ करता। कांग्रेस ने तीन चीजें, शिक्षा को लेकर कि अपने जीडीपी का 6% वो लगाएंगे, सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि हिंदुस्तान जब तक पढ़ेगा नहीं आगे बढ़ेगा नहीं और विश्व गुरु नहीं बनेगा, जाहिलों का ही देश बना रह जाएगा और इसको गंवार की तरह हांकते रह जाएंगे हमारे नेता। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट वो ये था कि हमारे जितने भी किसान या गरीब लोग हैं उसको 72,000 ये लिख के देने की बात हो रही है, वो 15 लाख वाली बात कहानी वाली नहीं, कि भैया इस मौजूद जितने इस सभा में मौजूद लोग हैं अगर पूरे पैसा बाहर से आ जाएं तो आपको 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। सेम वही लैंग्वेज जो नवाज शरीफ बोलते थे अपने इलेक्शन के मैटर में, उसी वक्त जब वहां पर इलेक्शन था नवाज शरीफ का पाकिस्तान में, सेम लैंग्वेज, मेरा वीडियो भी है उसके ऊपर में, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा अभी के अभी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मीडिया से रिलेटेड, मीडिया के एकाधिकार से, यानी कि एक इंसान, मैं एक्स वाई जेड इंसान, मैं अपने अंडर 5 चैनल को खरीद लिया, ईटीवी, जी न्यूज, एबीपी, सारे नए चैनल्स को खरीद लूं, और मैं अगर बायस्ड इंसान हूं, मैं अगर कांग्रेस को पसंद करता हूं, मैं अगर बीजेपी को पसंद करता हूं, मैं अगर किसी पार्टिकुलर को करता हूं, तो क्या वो मीडिया जो बिक चुकी है किसी एक के इंसान के हाथ में, 15-15 कंपनियों के मालिक अडानी अंबानी जैसे इंसान के हाथ में, क्या वो ईमानदारी से कभी दिखाने की कोशिश करेगा? रिपब्लिक चैनल में सारा का सारा पैसा बीजेपी के नेता का लगा हुआ है, क्या वो ईमानदारी से बताने की कोशिश करेगा? इसके ऊपर कांग्रेस ने कानून लाने की बात कही है कि एकाधिकार, देखो अमित शाह इसके ऊपर बहुत उल्टा सीधा बयान दे रहा है, वो ये बयान दे रहा है कि कांग्रेस जो है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला कर रही है, कि मीडिया के ऊपर रोक लगाने की बात, जबकि ये बिल्कुल उल्टी बात है। मैं दो चीजें यहां पे क्लेरिफाई करूं, एक 72,000 वाला और एक ये मीडिया वाला। मीडिया वाला बात ये है एकाधिकार पे कानून, यानी कि मैं अकेला रफीक अहमद 5 चैनल को नहीं खरीद सकता, इसके लिए कानून होना चाहिए। अगर कोई कॉरपोरेट लेवल का इंसान है, मान लो कि हर फर्म को चलाने के लिए, एक बिजनेस को चलाने के लिए पैसे के बैकअप की जरूरत होती है, और चैनल आज के डेट में सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा एक बना हुआ है इन्फ्लुएंसर मतलब टाइप का चीज, जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहेगा कि हम इसको इन्फ्लुएंस कर लें, ये जो चैनल है वो मेरी भाषा बोले, उसके लिए वो लोग करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे वो, जिस इंडस्ट्री वाले को, जैसे कि अडानी को या अंबानी को, जिसको हमारे भारत के प्रधानमंत्री बिजनेस दिलवाते हैं, जैसे कि 5 एयरपोर्ट दे दिया, जैसे कि राफेल दे दिया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का खनन वाला दे दिया कोयला के अडानी को, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में बिजली बेचने के लिए, भेजने के लिए फ्री में, याद रखिएगा, झारखंड का एक जगह दे दिया, जैसे कि हरियाणा के जमीन को जहां पर इन्वायरमेंटल तौर पे उसका परमिट की जरूरत होती है, उसको परमिट को बेच दिया गया पैसे के लिए। इसी प्रकार से ऐसे कई चीजें हैं जो बड़े बड़े घरानाओं को फायदा पहुंचाते हैं हमारी नेता अपने कानून से, और उसके लिए क्या करते हैं वो लोग पैसा लगाते हैं, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं मीडिया के घर को खरीदते हैं, मीडिया हाउस को खरीदते हैं, उसके बाद से प्रोपेगेंडा शुरू होता है। तो ये कानून कि एक इंसान 10 चैनल को नहीं खरीदेगा, ये बहुत जरूरी है, एकाधिकार के कानून ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, एग्जैक्टली लाल किला को भी रख रखाव के लिए दे दिया गया, ओके। तीसरी चीज जो मैंने बात करी थी कि 72,000 रुपए, 72,000 रुपए आपको मैं फिर बता रहा हूं, ये मेरा तीसरा वीडियो होगा जिसमें मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं कि 72,000 आपको नहीं मिलेंगे, 72,000 उस परिवार को मिलेंगे जिसकी आमदनी 72,000 से कम है, मान लीजिए 0 है तो उसको मिलेगा, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो आपको वो 72,000 रुपए का स्लैब तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 50,000 रुपए का है, और एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है ये, एक परिवार के लिए है, अगर एक परिवार, हमारा परिवार है जिसमें 3 लोग रहते हैं, उस परिवार की पूरी आमदनी अगर 50,000 रुपए तक है, तो मुझे वो 72,000 तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 22,000 रुपए मिलेंगे। ये है पूरा मतलब जो इसका कानून है। इसके लिए बात लोग कर रहे हैं कि कैसे होगा कैसे होगा,
बहुत आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा टफ होगा लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा। 3 लाख करोड़ रुपए के बजट की जरूरत पड़ेगी हर साल। उसमें से जो हमारे 2011 के बीपीएल का जो लिस्ट है उसके हिसाब से हमारे देश की जो लगभग आबादी है उसको 5 से 10 करोड़ की आबादी को ही सिर्फ ये फैसिलिटी मिलेगा। तो मुश्किल से 1.5 लाख से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए का सालाने का बजट होगा अगर हम लोग तरीके से टैक्स स्लैब को, इसके अलावा बिजनेस को बढ़ावा देंगे, इसके अलावा हम लघु उद्योग को बढ़िया करेंगे, तो ये जो 72,000 वाला मामला है उसको टच कर लेना बहुत टफ नहीं होगा। तो खैर ये तो वक्त आएगा तो पता चलेगा जब अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे सिवान की राजनीति के ऊपर। अगर कोई इसके ऊपर जुड़कर बात करना चाहता है तो जुड़िएगा जरूर। मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट का ऑप्शन ऑन कर रखा है, अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया लोकसभा चुनाव 2019। तो हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्तों कि लगातार हर इलेक्शन में ये कोशिश होती है कुछ लोगों के द्वारा कि यहां पर माहौल जो है थोड़ा सा हिंदू मुसलमान करने की कोशिश किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर में लिंचिंग का मैटर दलितों के ऊपर और बहुत सारे हिंदू भाइयों के ऊपर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परिवार हैं जिनके साथ नाइंसाफी, यूपी में आपको याद होगा कि उस इंजीनियर जो पंडित थे या कोई थे या कार चलती कार में उसको गोली मार दिया गया था। इसके अलावा जो पूरे देश में एक एक एक, एक सांप्रदायिकता वाला माहौल बना था, समझ रहे हैं, एक सांप्रदायिकता वाला माहौल बना है हमारे पूरे देश में, उसको लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मैं अभी आपके सामने एक लिस्ट दिखाता हूं लिंचिंग का, लिंचिंग का मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं जिसमें 72 से ज्यादा लोगों की लिस्ट है। और उसमें ये चीज गौर कीजिएगा आप, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें दलित भी हैं, उसमें सिख भी हैं। मैं ये बस चीज आपको दिखाकर मैं आप लोगों से गुड नाइट कहूंगा, लेकिन ये देखना जरूरी है। तो यहां पर बात हिंदू मुसलमान की अगर कोई करता है तो इसका मतलब साफ है कि वो इंसान सही नहीं है, और अगर उस पर कोई राजनीति कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वो इंसान कभी भी देश के लिए भला नहीं कर सकता, वो बेईमान है, वो झूठा है, वो लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लेने की कोशिश कर रहा है। और मुझे यकीन है 100% मैं सिवान क्या, मैं पूरे देश की जनता को कह रहा हूं कि लोगों ने 5 सालों में जान लिया है कि किस प्रकार से हिंदू मुसलमान करके यहाँ पर रोज की राजनीति जो है ध्रुवीकरण करने की है, उसकी करने की कोशिश हो रही है लगातार। अब आप देखिएगा, ये देखिए, ये बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही ईमानदारी से, मतलब ये कोई ऐसा ऐरा गहरा और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन नहीं है, दिस ऑल कम्स फ्रॉम अ वेरी रिलायबल न्यूज चैनल द क्विंट सीट वॉच इट। ये देखिए, हंटेड इंडियाज लिंचिंग फाइल, और ये क्या है, द क्विंट, ये कोई ऐरा गहरा वेबसाइट नहीं है। 90 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक, जो यहाँ पे लिस्ट बना है 90 लोगों को मारा गया है लिंच करके, ठीक है। अब आप यहाँ पे गौर करना, मैं इस लिस्ट में जा रहा हूँ, ठीक है, इस लिस्ट में जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पूरे भारत का नक्शा है, गाय का फोटो बना हुआ है, यानी कि गौ के नाम पर कहाँ पर लड़ाई हुई, आपसी लड़ाई में स्टार वाला मार्क्स बना हुआ है। और इस तरह के देखिए, गौ माता के नाम पे आप देखो कितनी जगह, पूरे जम्मू कश्मीर से कॉर्नर से लेकर ये उत्तर भारत से लेते हुए इधर दक्षिण भारत से होते हुए पश्चिमी भारत वगैरह होते हुए हर जगह पर है ये गाय का निशान आप देखिएगा, जिसके नाम पर इस देश के अंदर में पूरा आतंक फैला के रखा हुआ है कुछ आतंकवादियों ने। अब देखिएगा इस लिस्ट में, ये देखिए लिंच, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल यानी कि सब के सब, लिंच और असॉल्ट यानी कि कोई लिंच करने का मतलब हो गया कि कुछ लोग मिलकर एक को जानबूझ के मार दिए, और यहाँ पे असॉल्ट यानी कि भीड़ ने कोई किसी को मिला, लड़ाई झगड़ा हुआ, वहां पे मार दिया गया, ठीक है। ये सारे लोगों का पूरा डिटेल है, ये शुरुआत होती है पूरा डिटेल्स, ये देखिएगा कहां से, अखलाक से, 28 सितंबर 2015, इसका डिटेल्स आप पढ़िए, हल्का सा क्लिक कर दीजिएगा, इसका पूरा डिटेल यहां पर आ गया। उसी प्रकार से अब आप नाम पे गौर करते रहिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। जाहिद अहमद, नुमान मोहम्मद हुसैन, नसीम बानो, मुकद्दम वितीन, ओके इनायत, कौशिक पुरकेत, कौशिक नाम पे गौर कीजिएगा, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं कि कोई ये ना समझे कि यहां पर हिंदू मुसलमान करके कोई आसानी से वोट ले लेगा, यहां पे मुस्लिम भी और हिंदू भी, दलित भी, ईसाई भी, सब लोग परेशान हुए हैं इस देश के अंदर में जिस प्रकार का माहौल बना के रखा गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कुनवरबन वाश्रम, यहां पर
अशोक देवशी, रमेश बचर, और ये देखिए ये भी मत सोचिएगा कि इनको मारने वाला कोई मुस्लिम होगा, यानी कि लड़ाई हो रही है हिंदू मुस्लिम की, ये मुस्लिम नहीं, इनको मारने वाला भी इसी समाज के वो लोग हैं जो मतलब अपने आप को गौर रक्षक ना जाने क्या क्या कहते हैं। डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा तो इसमें उनका डिटेल्स मिल जाएगा। मैं यहाँ पर गुजरात सीआईडी टीम सेड ऑल्सो द काउ हैज बीन किल्ड बाय द लॉ एंड दिस एंड दैट ड्रामा, बहुत तरह की बातें, ठीक है। परवीन पुजारी, ठीक है, अयूब, हफीज, अली हसन, शोएब, इरशाद, पहलू खान, पहलू खान के बारे में तो आपको सबको पता होगा, संगीता, यहाँ पे संगीता है, यहाँ पे नीलेश है, ठीक है। ये इस तरीके से पूरे देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नो डाउट कि मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, 80% होगी। शांता देवी, इनको डायन बोल के भीड़ में मार डाला। इसके अलावा ठीक है, अब आप देखो भारत भोसले, राजू भोसले, अपना भारत मावले, गजन, ये पूरे देश के अंदर का मामला है। मैं इसके लिंक को यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है, और आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो मेरा मकसद ये कहने का है दोस्तों कि जिस प्रकार से देश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, इसमें तो वो मामला है ही नहीं जो पटना में हुआ था, एक महिला को नंगा करके उसको 20 सड़क पे कुछ लोगों को, कुछ घटिया लोगों के द्वारा जो अपने आप को नाम का मर्द कहते हैं, वो लोगों ने दौड़ा के मारा था। उसके भी बातें अगर आएंगी तो बहुत सारी चीज़ें, ये कॉपी मैं करता हूँ और इस लिंक को मैं अपने इस वीडियो में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं पिन कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में पिछले 5 सालों में लगातार देखने को मिली हैं और इससे कोई नकारा नहीं जा सकता है। मैं कोई अपने मर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारा रिपोर्ट है, सारा का सारा पूरे डिटेल के साथ। अगर इसमें किसी को शक है तो मैंने लिंक भी शेयर कर दिया, वो लिंक को मैं यहाँ पे पिन कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, इस लिंक को चेक कीजिए और देखिए कि किस प्रकार से देश के अंदर में हिंदू मुसलमान, दलित और छोटे जात, बड़े जात, ये जात वो जात, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कोशिश कीजिएगा देश के अंदर में सौहार्द के नाम पर, कोशिश कीजिएगा कि देश के अंदर में विकास के नाम पर हो, कोशिश कीजिएगा कि हमारे नेता से सवाल किया जाए। डरना बंद कीजिए, बाहुबली एंड दिस एंड दैट, दिग्गज नेता बाहर है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं, एक आदमी सवाल करेगा, 10 आदमी सवाल करेगा, ठीक है। और सवाल उससे कीजिए जो वाकई में अकाउंटेबल है, जो ऑलरेडी विधायक है उससे सवाल कीजिए, जो ऑलरेडी MP उससे सवाल कीजिए, जो भारत सरकार में बैठा हुआ सत्ताधीन अधिकारी है उससे बात कीजिए। ये नहीं कि भैया हम सवाल करें राहुल गांधी अभी तक नौकरी क्यों नहीं दिए 2 करोड़, मैं सवाल करूं कि विपक्ष के नेता से करने का कोई मतलब नहीं है जो सत्ता में। मैं आज भी बता रहा हूं, अगर कल को कांग्रेस आ जाती है तो इस वीडियो को ध्यान में रखिएगा, जो जो वादे वो कर रहे हैं तो मैं उस पर भी सवाल करूंगा। ये वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिएगा रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि अपना मकसद है, हमारी जिंदगी मुश्किल से 20 30 25 साल की होगी अगर नेचुरली अगर जिया इंसान, तो उस कम से कम उस बची हुई जिंदगी के अंदर में खूबसूरत बनाने की कोशिश किया जाएगा इस देश को। इस बची हुई जिंदगी के अंदर में कोशिश किया जाएगा कम से कम हम अपने कंस्टिट्यूएंसी की कोशिश। देखिए आपको भी पता होगा कि मोहब्बत के दंगे परिवार की जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी, उसका मकसद था पूरे देश के अंदर में एक सौहार्द को बनाने की, सांप्रदायिकता की बातों को ख़त्म करने की। लेकिन जब हम कोशिश करते 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 जब लगा कि नहीं अभी हम ज़मीन पे भी उतर के काम करना चाहिए, और करते आए हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं किया हम लोगों ने, लगातार 25-30 स्टेट में, जिलों में हम लोगों ने काम किया है। एक कंस्टिट्यूएंसी में फोकस मैंने किया इस वक्त सिवान में। इस तरीके से क्या हमारी तरह 1000 लड़के नहीं है हमारे देश में? 1000 लड़के मिलके क्या 1000 कंस्टिट्यूएंसी में अलग अलग उन MP के जो 545 MP के चुन कर आते हैं जिस जगह से, वो वहाँ पर काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, सुधार बिल्कुल मुमकिन है। 135 करोड़ की आबादी अगर चाह दे तो सुधार ना हो ये संभव ही नहीं है। तो कोशिश करना अपना काम है, और ईमानदारी से कोशिश इस लिहाज से कि जो जिम्मेदार हैं उससे सवाल ज़्यादा होना चाहिए, है ना, ना कि सवाल उनसे और उनको दिखाकर कि भैया ये आएंगे तो ये हो जाएगा, ये आएंगे तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आई वॉन्ट टॉक समथिंग विथ यू रफीक भाई, कैन आई प्लीज, कमेंट कर दीजिए, लिख दीजिए, आई विल रीड योर थिंग एंड आई विल डेफिनेटली लेट यू नो क्या आपका सवाल है, मैं उसके ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि समय बहुत हो गया। मैं फिर से लाइव आऊंगा जिस दिन, कल फिर मैं आऊंगा लाइव, उसके बाद से हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और याद रखिएगा 11 अप्रैल से इलेक्शन शुरू होने वाला है,
12 मई को हमारे जिले में इलेक्शन है। कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी तरह का, मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग बाहर से देख रहे हैं और जितने लोग देखेंगे इस वीडियो को, कि प्लीज़ एग्रेसिव मत होइएगा। छोटी मोटी अगर किसी से गलती हो जाती है किसी भी तरह के पूजा पाठ में, किसी भी तरीके के मुहर्रम में, किसी भी तरीके के कोई भी चीज़ों में मामला थोड़े से अगर हो जाते हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आपस में भाई बहन की तरह, दोस्त की तरह मिलकर उसको सॉल्व किया जाए। हो सके तो हमारे मुस्लिम भाई कोशिश कीजिएगा कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो आते हैं पंडाल घूमने वगैरह आते हैं, बेचारे कई गांव से घूमने आते हैं, कई कई किलोमीटर, क्योंकि इतनी भीड़ में गाड़ियां नहीं चलती हैं ना वो गाड़ी ला सकते हैं, उनके लिए पानी पीने के लिए जगह, उनके लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम कुछ ऐसा कर दीजिएगा। उसी प्रकार से हमारे हिंदू भाई भी जितने लोग हैं वो लोग भी कर दें, कभी मुहर्रम के प्रोग्राम में, कभी किसी तरह के प्रोग्राम में, ईद में, इस तरह के चीज़ों में आपने कभी इस तरह का चीज़ के लगा दिया जिससे कि हमारी आपसी सौहार्द बना रहेंगे। देखिए, रहना तो ले देकर एक ही जगह सबको है, कोई कहीं नहीं जाने वाला, तो क्यों हम अपने दिमाग को एक्स्ट्रा टेंशन, क्या आपके घर में टेंशन नहीं है, क्या आपके हॉस्पिटल का इशू नहीं है आपके घर में, आपके घर में माता पिता, भाई बहन, आपकी बीवी, आपके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, तो ये आपके टेंशन ऑलरेडी है आपके पास, आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है आपके पास, आप घर से बाहर निकलते हैं कमाई होगी कि नहीं होगी उसका टेंशन है आपके पास, इसके बाद एक हिंदू मुसलमान वाले तनाव, राजनीतिक तनाव लेके हम दिमाग में घूमते रहें। कम से कम एक हिस्सा तो ठंडा रहने दिया जाए दिमाग, ताकि वो जो दिमाग है जो हम लगा रहे हैं आपस में लड़ाई झगड़ा हिंदू मुसलमान करने में, उसका इस्तेमाल हम कर सकें अपने देश की भलाई के लिए, आपसी सौहार्द के लिए, समाज को तरक्की दिलाने के लिए। अगर हम एक तरफ, सभी से मैं कहना चाहता हूं, मैं जिस समाज से हूं, मुस्लिम समाज से हूं, मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से ही कहना चाहूंगा कि आप, अगर आपको लगता है कहीं पर, तो जोश में आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहेंगे कि भैया ये खतरे में है, वो खतरे में है, नहीं छोड़ना है, अगर आज छोड़ दिए तो कल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, दिमाग ठंडा करके तरीके से सब लोगों को रहने की जरूरत है, और जितना बेहतर हो सके कोशिश करना है समाज के अंदर में आपसी सौहार्द को बना के रखिए, यही हम सब लोगों की कोशिश है और कोशिश होती रहनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैं कमेंट से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन एक बात और भी है कि बहुत सारे लोग अगर इसके ऊपर, जो देखो गुड़गांव में जो मैटर हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ कि घर में घुस के कोई किसी को पीट रहा है, तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हम लोगों ने शुरू से कहा है कि अच्छे कैंडिडेट को देख के वोट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए महिलाओं को मौका देने का, लेकिन जो महिला ऑलरेडी है राजनीति में और उनको मौका दिया है जनता ने, तो पहले उससे हिसाब लीजिए कि आपने किया क्या है, उसके बाद से मुसलमान हिंदू और सिख करने की जरूरत नहीं है, जो सही कैंडिडेट है उसको वोट दीजिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि इस तरह की घटना को देखकर कोई आता नहीं है आवाज उठाने के लिए, कोई मुस्लिम लीडर या कोई हिंदू लीडर या इस तरह के लीडर, तो अच्छे लीडर को चुनिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए इतनी रात में, सवाल करते रहिए, पूछिए, अभी भी कहाँ है 2 करोड़ 10 करोड़ रोजगार, किसानों की हालात, महिलाओं के साथ जो अत्याचार, गैस सिलेंडर के दाम 850, 900, 1100 देने पड़ रहे हैं, पहले 350 था तो बहुत महंगाई होती थी, महंगाई के ऊपर पेट्रोल। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।